फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है जहां हम अपने पहले सेंटेंस को करेक्ट करके एक नया सेंटेंस बोलते हैं। यानी जब हम अपना पहला सेंटेंस बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया, तो उस सेंटेंस को तुरंत करेक्ट करके एक नया सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कई बार आप किसी दुकान पर कहते हैं 1 किलो चीनी देना बल्कि 2 किलो देना, या ऑफिस में 2 लोग थे बल्कि 3 लोग थे, मैंने 1 मोबाइल खरीदा बल्कि 2 खरीदा, वह मुझसे 1 सवाल किया बल्कि 2 किया, यानी बल्कि 2 सवाल किया। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने अपने पहले सेंटेंस को करेक्ट करते हुए एक नया सेंटेंस बोला और मैंने बताया कि ऐसा नहीं हुआ बल्कि वैसा हुआ, या इतना नहीं था बल्कि उतना था, मैंने 1 कप कॉफी पिया बल्कि 2 कप पिया। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप और रादर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे 1 किलो चीनी देना बल्कि 2 किलो देना, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गिव मी 1 kg सुगर और रादर 2 kg। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहले सेंटेंस का मीनिंग है 1 किलो चीनी देना और दूसरा सेंटेंस का मतलब है बल्कि 2 किलो देना। यहाँ और रादर के इस्तेमाल से ये पता चला कि बोलने वाले ने अपने बात को करेक्ट कर लिया है या उसको सही कर लिया है। वहाँ 2 लोग थे बल्कि 3 लोग थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर वर 2 मेन और रादर 3 मेन। मैंने 1 मोबाइल खरीदा बल्कि 2 खरीदा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉट अ मोबाइल और रादर 2 मोबाइल्स। मैंने 1 वीडियो को शेयर किया बल्कि 2 वीडियो को शेयर किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई शेयर्ड अ वीडियो और रादर 2। यानी मैंने 1 वीडियो को शेयर नहीं किया बल्कि मैंने 2 वीडियो को शेयर किया। मैं 2 कप कॉफी पिया बल्कि 3 कप, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टुक 2 कप्स कॉफी और रादर 3 कप्स। मैं आपसे 1 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बल्कि 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन और रादर 2 क्वेश्चंस। मुझे 1 किताब खरीदना है बल्कि 2 किताब खरीदना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव टू बाय अ बुक और रादर 2 बुक्स। मेरे पास 1 दोस्त है बल्कि 2 दोस्त हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ फ्रेंड और रादर 2 फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपके सामने ऐसा कंडीशन हो जहाँ आप अपने पहले वाले सेंटेंस को करेक्ट करके एक नया सेंटेंस बोलें, तो उस दूसरे सेंटेंस के पहले आप कहेंगे और रादर, और इस वर्ड से सुनने वाला ये समझता है कि आपने अपने बात को करेक्ट कर लिया है या अपने बात को सटीक कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।